बड़ी खबर सामने आ रही है, मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस फैम अर्चना गौतम की पिटाई की गई है। कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी अर्चना गौतम को कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश से रोक दिया गया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कुछ महिलाओं ने उन्हें धक्का दे दिया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। यह आरोप खुद अर्चना गौतम ने लगाया है। इस घटना से अर्चना गौतम काफी परेशान है, साथ ही इस घटना से हड़कंप मच गया है। अर्चना गौतम कल अपने पिता के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंची। इस बार उन्होंने अपने पिता के साथ पार्टी दफ्तर जाने की लाख कोशिश की, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। वहां मौजूद महिलाओं ने उनकी पिटाई कर दी। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी को बधाई देने पहुंची थी, लेकिन दोनों को पार्टी कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। महिलाओं ने अर्चना के बाल खींचे, किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट किया। कार्यालय के बाहर काफी हंगामा मच गया। अर्चना के साथियों ने तुरंत उन्हें बचाया और कार में बैठाकर चले गए। हालांकि अपमानजनक व्यवहार से अर्चना काफी नाराज है। इसी बीच जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अर्चना गौतम और उनके पिता आज मेरठ में पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अर्चना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तरह की जानकारी देगी और अपने साथ हुए अन्याय का हल निकालेगी।